नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षा बंधन ऐसी जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस बार का रक्षाबंधन क्यों खास है आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और उससे जुड़े हुए मंत्र सावन महीने की पूर्णिमा को भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है इस साल रक्षाबंधन पंद्रह अगस्त गुरुवार को है रक्षा बंधन का त्योहार गुरुवार को होने से इसका महत्व और बढ़ गया है इस दिन भद्रा नहीं है न ही किसी प्रकार का कोई ग्रहण है इस वजह से इस साल का रक्षाबंधन शुभ संयोग के लिए और सौभाग्यशाली भी है कहा जाता है कि भद्रा में बहने भाइयों को राखी नहीं बांधती पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा में उसे रक्षा सूत्र बांधा था जिससे रावण का सर्वनाश हो गया राखी बांधने का मुहूर्त काफी अच्छा है बहने सूर्यास्त से पहले भाइयों को राखी बांध सकती है रक्षा बंधन का मुहूर्त पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ चौदह अगस्त को तीन बज के पैंतालीस मिनट से हो रहा है और समापन है पंद्रह अगस्त को पाँच बजकर अठावन मिनट ऐसे में बहने भाइयों को 15 अगस्त की सूर्योदय से शाम के पाँच बज के तक राखी बांध सकती हैं। राखी बांधते समय अगर आप ये मंत्र बोलती हैं, तो ये बेहद शुभ माना जाएगा येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो वहाँ बलह तेन त्वाम प्रति बद्ध नामी रक्षे माचल माचलह इस मंत्र का जाप करने से राजा बलि ने रक्षा सूत्र से ध्यान भटकाए बिना अपना सब कुछ त्याग दिया था वैसे ही रक्षा की आज मैं तुम्हें बांध रही हूँ ये राखी तो तुम अपने लक्ष्य से विचलित ना होना और मेरे भैया हर हाल में उनकी रक्षा करना पूजा की थाली में अगर आप ये चीजें रखते हैं तो इनका बड़ा महत्व है थाली में कुछ खास चीजों का होना जरूरी है कलाई पर बांधने के लिए राखी माथे पर लगाने के लिए कुमकुम और अक्षत मुंह मीठा करने के लिए मिठाई सिर ढकने के लिए रुमाल या टोपी पूजा के लिए घी का दीपक हाथ में देने के लिए नारियल इन चीजों के अतिरिक्त आप अगर अपने भाई को कोई गिफ्ट देना चाहती है तो उसे भी थाली में रख सकती है लड़कियाँ भाइयों के अलावा अपनी भाभी को भी राखी बांध सकती है इससे भाभी और ननद के बीच का रिश्ता मजबूत होता है रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक मान्यता भी जुड़ी है जिसका संबंध महाभारत से है जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी तो उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया था ऐसा करते समय उनके हाथ में चोट लग गई थी ऐसे में द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था इसके बाद कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया जब ये हुआ था तब भी सावन मास की पूर्णिमा थी तभी से ये त्योहार मनाया जाने लगा बहुत कम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भगवान विष्णु के अवतार हय ग्रीव का जन्म दिन भी होता है अगर आप रक्षाबंधन वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, तो आपको धन की प्राप्ति होती है इसकी वजह तो ये है कि हाय ग्रीव अवतार के पीछे माँ लक्ष्मी का अहम योगदान था इस दिन आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं ये पूजा भाई बहन मिलकर कर सकते हैं इससे दोनों के ही जीवन में धन की कमी नहीं होगी तो ये तो थी जानकारी रक्षा बंधन से जुड़ी हुई अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ